कि मैंने बता क्या कुछ भी ले आओ। ये थोड़ा दिखाना इसको खोल के, ऊपर से हल्का हल्का सा खोल के दिखाना। आए थे सब्जी लेने के लिए, लेकिन इतनी जोर जोर से बारिश हो रही है ना कि हमको रुकना पड़ा यहीं पे। और हमारे देवी जी घर पे अकेले है और बगल पास नहीं जाना हमें से थोड़ी। ये तो रोज का काम है हमारा दोस्त। हाँ बुलाओ सभी लोग खाना खा ले। तो गाइस ये रहा मैक्रोनी चावल, मैक्रोनी पुलाव जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए कितना स्वादिष्ट बन गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे, खुश रहे। देवी जी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, और सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए आज की प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अच्छा लगता है दोस्तों देवी का काम करना। कैसे तबीयत, कैसा लग रहा है? गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल। हम लोग गए थे कानपुर से लाए थे बर्फी खाने के लिए, तो मस्त खा रहे। अभी देवी जी गई है घर वाले रूम में आराम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनको दिक्कत होता है ना, पेट वगैरह दर्द होने लगता है, ये थोड़ा सा सख्त है, इसीलिए वहाँ पे आराम से एकदम रुई वाला गद्दा लगे हो तो आराम कर रहे हो। उनको 2-3 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगा दोस्तों, और साथ ही साथ मुझे खाना का होगा जुगाड़ करना, ठीक है। आज ऐसा करेंगे कि हम जा रहा हूँ दुकान, और हमारे गबलू टपलू का जो है तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, जाए हम कहाँ खाए थे मैंने बता कुछ बिरयानी खाइए। देख भुक्खू लगा है बच्चे को, भुक्खू लगा। अभी जस्ट दोस्तों क्या करें, वीडियो का एडिटिंग करना पड़ता है, घर का काम सब कुछ देखना पड़ता है ना काम के साथ साथ, ठीक है। इनको बनता नहीं, इनका पेट बहुत ज़ोर जोर से दर्द होने लगता है, तो आप आराम करो, ठीक है, मैं जाता हूँ, है ना। चलिए ऐसा करते हैं ना कि हम एक प्लेट बिरयानी करवा लेते, ठीक है, फिर शाम में कुछ बना देंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे पास समय नहीं बच पाएगा, मुझे रील्स वगैरह भी अपलोड करना है, बहुत सारे काम करना है, और इनको भी देखना है, दोनों चीज़ें लेकर के चलना है दोस्तों। तो खाना खा लेंगे ना तो थोड़ा पेट में कुछ अन्य रहेगा। दोस्तों फाइनली अभी रेस्टोरेंट पे आ गए थे खाना पैक करवाने के लिए, और बिरयानी मिली नहीं, तो हमने सोचा कि चलिए चिकन पैक करा दें। भैया थोड़ा दिखाना इसको खोल के, ऊपर हल्का सा खोल के दिखाना, ठीक है, बंद कर दीजिए। और यह है चिकन हांडी, उसमें चाउमिन मिला हुआ था, प्याज होता भैया, प्याज कच्चा वो ऐसा लग रहा है कि चौमिन ऊपर से रखा हुआ है। सब बिहारी स्टाइल में बनाते हैं सब लोग। पेमेंट अपने कर दिया दोस्तों। पूरा दिन बारिश हुआ है, 2 दिनों से, ठीक है, लगातार 24 घंटा बारिश हुआ है। आज हल्के हल्के धूप है, अभी घर पे भी ढेर सारा काम करना है दोस्तों, में निकलना होगा, ठीक है। मॉर्निंग से उठो, काम करो, फिर वीडियो अपलोड करो, फिर खाना पैक करवाओ, भाई वही ज़िंदगी, गाँव में भी वही ज़िंदगी, लखनऊ में भी वही ज़िंदगी दोस्तों, लेकिन बड़ा प्यारा मौसम लग रहा है। चलिए दोस्तों फिलहाल घर पे चलते हैं, हमारे देवी जी फिलहाल अभी हम घर पे आ गए हैं। यहाँ पे रोटी और यहाँ पे चिकन मिला है, मस्त खा रहे हैं दोस्तों, और भी कुछ यहाँ पे बच गया है, और साथ ही साथ हमारे देवी जी यहाँ पे खा रहे हैं। बच्चे हमारे भूखे थे पूरा दिन, ऐसे लेटे थे आप, हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग गया ना आने में, लगा ना 2 घंटे से ऊपर लग गया ना, क्योंकि दोस्तों हम गए हुए थे सिटी के साइड में, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए दोस्तों। तो दोस्तों जस्ट मैं अभी सो करके उठा हूँ, अभी देवी जी हमारी आराम कर रही हैं। कैसा मौसम लाना था बिट्टू? 6 समोसा कोल्ड ड्रिंक है ना, ठीक है, चलो आप आराम करो, हैं चलिए। वो अभी आराम कर रहे हो, उनसे अभी कोई काम नहीं करने दे रहे दोस्तों, रिस्क में पड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, और उन्हीं के चक्कर में आज हम भी सो गए, ठीक है। सोने का कारण यही था, अभी हम पंखा चालू करने जा रहे थे ब्लॉग बनाते समय, आवाज़ इतना करते ना क्या ही बता, गंदा हो गया दोस्तों, ये देखिए पूरा पर, तो कल सफाई करेंगे, एक दिन पूरे घर की सफाई अच्छे से कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी पर को जो है सफाई कर दिया जाएगा। देखिए रात का चावल और दाल बचा हुआ है तो यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है, और ये चावल बढ़िया है दोस्तों, क्या ही करें, कहीं कोई चीज़ रखने का व्यवस्था नहीं हो पाया ना, तो चप्पल भी यहीं रहा रहता है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। ये सब बोतलें जो है कोल्ड ड्रिंक पानी वानी भरने के लिए तो यहाँ पर रख देते हैं, कि अगर बोतल कमी पड़े तो यहीं से उठा करके अपना धुल के पी लेते हैं हम लोग पानी, ऐसा सीन रहता है दोस्तों, तो बोतल कहीं ज़्यादा फेंकते नहीं हैं, हाँ भले कचरा फेंक देते हैं मंजूर है। अब चावल में क्या होगा, ढेर सारे कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो यहाँ पे रख दिए तो सब कीड़े एक एक करके निकल जाएंगे। और ये जो दाल चावल बचा हुआ है ये रात का है तो नहीं खा पाए थे हम लोग, ठीक है, तो अभी क्या होगा ना कि जो जानवर आएंगे बाहर में गिजा माते तो उनको दे देंगे, ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर अभी रख देंगे बाहर में, तो फिर बिल्ली चूहा सब लोग आ जाते हैं तो पूरा घर को जो है कीचड़ कर देंगे। यहाँ पे देखते देखते शाम हो गया, समझ में नहीं आया कि दोपहर कब गया शाम कब आया, ठीक है। अभी जस्ट अभी नाश्ता का सामान लिए हैं, ये नाश्ता इसलिए लेते हैं कि खा पी लेते हैं ना आराम से, तो टाइम बच जाता है तो आराम से खाना वगैरह भी बना लेते हैं लोग, ठीक है। और इधर हम शूट करने का सोच रहे थे, इधर पूरा एकदम हरियाली वाला सीन है, बहुत अच्छा नज़ारा है, हमने सोचा कि एक दिन इस जगह पर आकर शूट करेंगे दोस्त। अभी दोस्तों
कितना भी खिलाओ, कोई चीज़ भी खिलाओ, चाहे भले चाहे जितना तबीयत खराब हो इनका, कोई चीज़ ला कर खिलाओगे ना आप चीज़, कितना सालों बाद हम खाए हैं ये चीज़। मतलब मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद खा रहे हैं। तीन दिन से कहाँ खा रहे हैं? तीन दिन पहले खाए नहीं है। कहें वो समोसे कंकाल जी बनाते हैं, उतना स्वादिष्ट आप पूछे नहीं दोस्तों, खा के मज़ा आ जाता है। कभी हमारे घर आइएगा लखनऊ तो आप लोगों को नाश्ता करवाएंगे इसी चीज़ से। क्या जी, मज़ा आता है खाने में। खाने में क्या बनेगा आज? मैक्रोनी पुलाव है ना। अभी थोड़ा बहुत दोस्तों टेस्टी है ना, अभी थोड़ा बहुत इनका तबीयत ठीक हुआ है तो खाइए। उस टाइम बिलास नहीं खाया था सही से। फाइनली बर्तन की साफ़ सफाई हो गई है, और साथ ही साथ इस टैंक में, ये टैंक पता है जो भैया पानी देने आते थे ना, उन्हीं का घर में रखा हुआ है, ठीक है। इस महीने में पेमेंट आते तो उनको वापस भी लौटा देंगे, और उनको पेमेंट भी करना बाकी है, ठीक है। रोक लिया था क्योंकि घर बन रहा था तो हाथ खाली थे, जिस वजह से पेमेंट हम कर नहीं पाए थे। आ रहे आ रहे। और ये मॉर्निंग में यानी दोपहर के टाइम में जो सब्ज़ी लाए थे वो रखा हुआ है, और इतना सारा बर्तन। अरे दादा मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, हमारी वाइफ ही धुल पाती है, हम धुलते तो मेरा कमर टूट जाता। देखिए धुलने के बाद कैसा कंडीशन हो जाता है शरीर का, पसीना से तर बतर हो जाते हैं, उलझन जैसा होता है, फिर भी काम करना पड़ता है, अपने मेहर औरों के लिए काम करना पड़ता है। क्या बात बताइए, इसमें बड़ा सा कीड़ा निकाल दीजिए, इसमें बहुत बड़ा सा कीड़ा है। बड़ा सा क्या, छोटा वाला कीड़ा उससे बड़ा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कठिन काम पता है क्या लगता है? फ्रिज के अंदर पानी रखना, ठीक है। पानी रखने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, पानी भरो एक तो ऊपर से रखो, ना रख पाओ इधर उधर गिर जाए कटाक कटाक से, तो बड़ा दिक्कत हो जाए। आए थे सब्जी लेने के लिए, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है कि हमको रुकना पड़ा यहीं पर, और हमारे देवी जी घर पर अकेले हैं, और बगल पास नहीं जाना हमें, जो थोड़ी सी दूरी पड़ता है, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे इतनी ज़ोर ज़ोर। देखिए हमारे धन्नू भीग रहे पूरे, ऊपर आवाज़ आ रहा है आप लोगों का, खर्र खर्र खर्र, मतलब काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है लगातार, ऐसा लग रहा ना कि बाढ़ बाढ़ आ जाएगा चारों तरफ, ऐसा सीन है। तो गर्मा गर्म खाना बन के एकदम रेडी हो गया, मैक्रोनी का ये देखिए बिरयानी बन रहा है, और मैक्रोनी जो है चावल मिलाया जा रहा है, इसी को तो बोलते हैं स्वादिष्ट खाना। क्या बात है, क्या बात है, इसी पे 20 रुपये इनाम मिलना चाहिए। ये देखिए कितना स्वादिष्ट है दोस्तों, ये देखिए इतना तबीयत ख़राब होने के बाद भी देवी जी हमारा खाना बना रही है। गैस चूल्हा को हम बाहर ला दिए, पानी का टंकी भी बाहर ला दिए थे, देखिए ये सब कुछ ला दिए थे, और मसाला वगैरह भी, क्या जी, ताकि जो है आसानी हो जाए इनको काम करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं कुछ कोई, ये तो रोज का काम है हमारा दोस्त। हाँ बुलाओ सभी लोग खाना खा ले। तो गाइस ये रहा मैक्रोनी चावल, मैक्रोनी पुलाव जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल दोस्तों देखिए कितना स्वादिष्ट बन गया, आइए और आप लोग खा लीजिए दोस्तों। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका भाई फेसबुक पे भी आगे बढ़े, वहाँ से भी कुछ पैसे अर्न कर सके? लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, जाइए जाकर के फॉलो कर लीजिए, जाइए अपने भाई को सपोर्ट करिए, ठीक है। बगल में देखिए फेसबुक पेज का आईडी दिख रहा होगा, क्या मतलब आप लोग नहीं चाह रहे हो, 5000 फॉलोवर कंप्लीट हो गया है, जाइए जाकर के देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ऐसे ही मुझे पता है कि जब तक आपको हमारे वीडियो पसंद नहीं आएंगे तब तक आप कैसे लाइक फॉलो करेंगे, तो वहाँ पसंद करने की पूरी कोशिश करवाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, मत क्या ही पता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, मेरे मेहनत के ऊपर हो सकता है, मेरे मुंह से बोलने तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो लिंक जो है फेसबुक का डिस्क्रिप्शन में, जाइए जाकर के देखिए, फॉलो करिए हमारे पेज को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट, यादव से देखिए पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, जो लोग नए आए होंगे वो भी फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आपके राजा ब्लॉग को, और अपना कीमती जानकारी मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।